नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आपका एक कॉग्निजेंट के अपडेटेड वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सारी बेंच रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। आप प्रोजेक्ट में टैग्ड हैं, आपको वर्क नहीं मिल रहा है, किस तरीके की बेंच में है, आपकी जॉब रिस्क में है या नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ऑलरेडी मुझे इस टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए था बहुत पहले, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक आ रहे थे गाइस, बट वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था अपने कुछ काम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि उन लोगों की बात, देखो पहले आप ये क्लियर आपका होना जरूरी है कि आप एक्चुअल में बेंच में हैं या नहीं है। तो गाइस, पहली बात, अगर आप पर्टिकुलर किसी अकाउंट में टैग्ड हैं, ठीक है, आप टैग्ड हैं किसी अकाउंट में और आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, डेट मीन्स कि आप बेंच पे नहीं है उस टाइम पे, आप पूरी तरीके से सेफ हैं अभी, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम किसी अकाउंट में टैग्ड हैं तो हमें काम नहीं मिल रहा है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है या पीए हैं या पीएटी हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर किसी अकाउंट में टैग्ड हो गए हैं और आपको एक साल से काम नहीं मिल रहा, 6 महीने से काम नहीं मिल रहा, 3 महीने से काम नहीं मिल रहा, डेट मीन्स कि क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं है अभी आपकी, ठीक है, या फिर वहाँ पे रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, जैसे रिसोर्सेज वहाँ से जाएंगे या जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब वो आपको एक्वायर करेंगे, डेट मीन्स आप वहाँ पे उस अकाउंट में पूल में हैं, डेट मीन्स उस अकाउंट में आप बफर में हैं, ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट आएगी आपको वहाँ से उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था, आपको उस टाइम पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने आप को स्केल अप करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर आप किसी अकाउंट के साथ टैग्ड हैं, डेट मीन्स यू आर इन सेफ जोन गाइज। अब अगर मैं बात करता हूँ जो लोग रिलीज हो गए, ठीक है, अब मैं देखो दो तरीके की रिलीज होते हैं प्रोजेक्ट से, ठीक है, एक होता है VCDP, एक होता है PDP। देखो VCDP वो होता है कि आप पर्टिकुलर जिस अकाउंट में थे या पर्टिकुलर जिस प्रोजेक्ट में थे उसमें टैग्ड हैं, साथ के साथ आप मार्केट के लिए भी ओपन है कॉग्निजेंट के, ठीक है, आप अदर प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, ये पीरियड जो होता है 1 महीने 2 महीने का ही होता है VCDP का, फिर इसके बाद वो आपको PDP में डाल देते हैं। PDP क्या होता है, पूरी तरीके से जो उनका पूल होता है बेंच का वो फुल फ्लेज, ठीक है, वहाँ पे आपको टाइम मिलता है 3 महीने का 4 महीने का, डिपेंड्स ऑन 5 महीने का, डिपेंड्स करता है कि PDP आपका किस तरीके का, नो टाइमलाइन PDP है, टाइमलाइन PDP, अगर उन्होंने पर्टिकुलर टाइम दिया है कि इतने स्टेट से स्टेट तक आपका ये PDP असाइनमेंट है, तो डेट मीन उस डेट के अंदर आपको प्रोजेक्ट ढूंढना रहेगा, ठीक है। अगर आपका नो टाइमलाइन PDP तो फिर आप समझो कि हो सकता है आपको 1 साल तक PDP में वो रख सकते हैं गाइज। बट ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस करा है, समझा है, उसके बाद ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ गाइज, ठीक है। तो ये है इनका लाइक प्रोसेस PDP का और इनका VCDP का, जो भी इनके सिनेरियो होगा, ठीक है। तो VCDP में भी अगर आप रहते हैं उस टाइम पे भी आप सेफ रहते हैं, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट में भी टैग्ड हैं, इसका भी पीरियड ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लाइक कब से कब तक आपको असाइन करा गया है, तो आप मार्केट के लिए भी ओपन रहते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए भी ओपन है कि अगर तब तक मान के चलो उस प्रोजेक्ट में कुछ रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो डेफिनेटली वो आपको एक्वायर कर लेंगे, लेकिन आप मार्केट के लिए भी ओपन है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा PDP जो मैंने बताया कि इसमें आपको अप्लाई करना ही है, ढूंढना ही है, ठीक है, आपको अपस्किल करना है। अब अगर गाइस मैं अपने केस की बात करूं यहाँ पे, मेरे केस में तो जैसे मैं पहले जब मैं ट्रेनिंग खत्म हुआ, मैं एक प्रोजेक्ट में गया तो वहाँ पे मुझे वेट नहीं करना पड़ा, मुझे वर्क मिल गया, मैं काम कर रहा था, ठीक है। काम करने के बाद फिर मुझे लाइक जब मुझे उस प्रोजेक्ट से मैं रिलीज हुआ तो मैं VCDP में आया, ठीक है। तो VCDP में मुझे कुछ 4 से 5 दिन वेट करना पड़ा था और मुझे नया प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है। तो फिर मैं अब उस प्रोजेक्ट में काम करने लग गया। तो गाइस ये हुआ था मेरे साथ में, ठीक है। तो अब बाकी लोगों के साथ में क्या होता है, मैं आपको बताऊँ कि वो दूसरे प्रोजेक्ट से रिलीज होने के बाद 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने बेंच पे हैं, ठीक है, या उनको प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता था पर्टिकुलर इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस जो मैंने फेस करा है, जो मैंने फील करा, जिस एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ, उस एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि गाइस आपको अपने आप स्किल अप करना होगा। अगर आप स्किल अप नहीं कर रहे हैं तो डेट मीन्स आपको प्रॉब्लम होगी अभी इस टाइम पे जब मार्केट डाउन है प्रोजेक्ट मिलने में, ठीक है। आपको US की स्थिति पता होगी क्योंकि कॉग्निजेंट हो या और भी कंपनीज हो, इनके मैक्सिमम प्रोजेक्ट US के ही होते हैं, US या UK के, जो कि आपको पता है मार्केट का क्या हाल है, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे अपने सर्टिफिकेशन पे, अपने स्किल पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी क्या, मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को कि यार अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप सर्टिफिकेट कर लो, ये कर लो, GCP कर लो, Azure के कर लो, Microsoft के कर लो, तो उनसे नहीं हो रहे हैं, कर नहीं रहे हैं वो, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, ठीक है। आप अपने आप को स्किल अप, गाइज मैंने करा,
ठीक है, जब मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी था तब भी मैं सर्टिफिकेट्स एंड ऑल पे मेहनत करता था, काम कर रहा था, ठीक है, जब मुझे लगा कि हाँ यह हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट से मुझे रिलीज मिले तो मैंने सर्टिफिकेट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने GCP का सर्टिफिकेट करा, प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर का, ठीक है, जैसा कि मैंने उस पर वीडियो अपलोड करी थी छोटी सी, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें मैं आपकी हेल्प करूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे पिंग कर सकते हो। बहुत सारे पिंग्स आते हैं मुझे रिलेटेड टू दिस कि कैसे क्या सारा प्रोसेस है क्या है, तो मैं उस पर हेल्प करूंगा। और मैं इस पर अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड वीडियो, तो मैं वो डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आ सकता हूँ आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं GCP पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ, तो हो सकता है वो वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। आप माइक्रोसॉफ्ट पे या फिर AWS पे जिस पर भी वीडियो चाहते हैं मैं उस पर लेके आऊँगा। अगर मैं नहीं ला पाऊंगा तो जिसने भी एग्जाम क्लियर कर रखे होंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनको लेके आऊंगा, ताकि वो आपको पूरा सही तरीके से बता सके कि क्या प्रोसेस है पूरा, ठीक है। तो ये तो रही सर्टिफिकेशन एंड ऑल की बात, गाइस। अब कॉग्निजेंट सी लर्न में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे असेसमेंट होते हैं जो आपको देना होता है, ठीक है। अगर आपको लर्निंग डिपार्टमेंट आपको नहीं नोटिफाई करा तो आप खुद से करिए, ठीक है। आप जाइए, सपोज आप बिग डेटा के हैं या आप डेवॉप्स के, किसी के भी, तो उससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेट सर्च करिए। आपको अगर आती है तो सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे जो उनके असेसमेंट है गाइस वो आप दीजिए जाके। जैसे आप वो देंगे तो आपकी प्रोफाइल में ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएंगे, ठीक है। एक तो वहां से आपकी प्रोफाइल स्किल अप होगी, दूसरी चीज आपको क्या करना है कि जो आपने एक्सटर्नल सर्टिफिकेट के उसको आप वहाँ पे अपलोड करने हैं, एक्सटर्नल सर्टिफिकेट वो आप फिर आपके होम मैनेजर उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी गाइज, फिर आप टैलेंट मार्केट में जो अपना रेज्यूम है वो अपडेटेड रेज्यूम शेयर करें और वो स्किल्स भी आप सारी मेंशन करें अपने, जिससे कि आपको पता होगा कि इस रैंक स्कोर रहता है वहाँ पे, जो भी मतलब वहाँ पे एक स्कोर रहता है 93%, 80% आपका अबव होना चाहिए, 80 और 90, तभी आपको कोई भी प्रोजेक्ट आपको कॉल आएगी गाइज, ठीक है। मैंने पहले ही प्रोजेक्ट पर अप्लाई करा, मुझे कॉल आ गया गाइज, ठीक है। तो ये मैं मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो आपको बैठना नहीं है कि आप बेंच में हैं और आप बस टाइम पास कर रहे हैं कि कॉग्निजेंट प्रोजेक्ट देगा तब देगा, आपको खुद से एफर्ट करने हैं। अगर आप 2-3 महीने हो गए, बहुत सारे लोगों का मेल भी आ रहे हैं कि टर्मिनेशन और जो भी है कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, ये वो, आपने आपको स्किल अप नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे मेल भी काफी लोगों के पास आ रहे हैं, ठीक है गाइज। तो आपको उन मेलों से अगर बचना है, क्योंकि डेफिनेटली गाइज अगर आप PDP पे हैं तो 3 से 4 महीने बाद, अगर आपका नो टाइमलाइन PDP है, डेफिनेटली गाइज वो आपको बोलेंगे कि आप या तो प्रोजेक्ट ढूंढिए या तो आप अपने आप को रिजाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज ना हो आपके साथ, इसलिए ये अपडेट एक भी छोटी सी वीडियो में आप तक पहुंचाना चाहता था कि आप ये मान के मत बैठिएगा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो रहा है और ऐसा हो भी सकता है। तो गाइज आप थोड़ा सा अवेयर रहें, अपने आप को स्केल अप करें। स्किल अप करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, लाइक आप 1 महीने में एक सर्टिफिकेट कर लो, इतना तो कर सकते हैं ना। आप बेसिक से स्टार्ट करो, GCP के, Azure के या AWS के, जो भी आपको क्लाउड बेस्ड सर्टिफिकेट करने, या आपको वो नहीं करने तो जो कॉग्निएंट सी लर्न में असेसमेंट्स हैं उनके जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो करो, ठीक है, जिससे आपकी प्रोफाइल में ना एक्टिवनेस दिखे, आप दिखे कि आप प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं चीज़ों को। और भी इनके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है, आउटरीच प्रोग्राम है, अदर प्रोग्राम्स हैं, आप हर प्रोग्राम से अगर आप फ्री हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किल ऐड होती जाएगी और आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करता हूँ जितने भी तरीके की एक्टिविटीज होती हैं इनकी, चाहे वो आउटरीच से रिलेटेड हो या अदर एक्टिविटीज ऑल्सो गाइज, ओके। तो आपको ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना होगा, और अगर आप बेंच में हैं, आपके पास कोई काम नहीं, तो आपके पास काम नहीं आप करें, ठीक है, और कोर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, क्लाउड्स पे ज़्यादा फोकस करें। अभी कहोगे हमने जनरेटिव AI स्टार्ट करा है, उस पर फोकस करें अगर आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को, कि अभी आपको टर्मिनेशन ना मिले, क्योंकि गाइस मार्केट बहुत डाउन है, अभी कुछ भी हो सकता है। मैं पहले वीडियो में भी अपने बोल चुका हूँ, ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो फिर इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, अगर आपके और भी कुछ भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली उस पर वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आप बैंगलोर आ रहे हो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी बहुत पहले कि यहाँ पे रेंट एंड PG का रेंट, फ्लैट का रेंट क्या है, क्या कंपैरिजन, बहुत सारी चीजें वीडियो बनाई थी। अगर गाइस अभी अभी आपको लगता है, क्योंकि अब वो वीडियो पुरानी हो चुकी है, अगर आपको न्यू अपडेटेड वीडियो चाहिए कि अभी यहाँ का हाल कैसा, अभी यहाँ पे रेंट कैसा, अभी यहाँ पे चीजें कैसी चल रही हैं, तो उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। बस आप कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको उस वीडियो की नीड है या नहीं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड गाइस सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा देर से आने के लिए।